बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल शादियों में से एक तेजस्वी यादव की शादी के बाद अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या उनकी पत्नी भी बिहार की राजनीति में एंटर करेंगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों वे लगातार लोगों से मिल रही हैं और कल तो अपने आवास से बाहर निकलकर भी उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनकी शुभकामनाएँ लीं और कई लोगों का आशीर्वाद भी लिया, इस बात की चर्चा जोरों पर है। देखिए, वो पार्टी ही पूरा पारिवारिक पार्टी है, जाति आधारित पार्टी है, तो पार्टी बाहर परिवार से निकल कहाँ सकता है। लालू, राबड़ी, मीसा भारती, तेज प्रताप, तेजस्वी, अब तो उनकी बेटियाँ भी जो है से, और कई बेटियाँ, मीसा भारती के बाद अब जो है से कई बेटियाँ, रोहिणी आचार्य और कौन कौन है, वो सब जो है से राजनीति में आना चाहती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, उनका परिवार का अगर कोई जो है से आया है घर में तो उसको राजनीति में आने का ऐसे, तो मुझे लगता है कि उनको आम लोगों से मतलब नहीं है, बिहार की जनता से मतलब नहीं है, बिहार की समस्या से मतलब नहीं है। अपने परिवार को कैसे स्थापित करें, राजनीतिक तौर पे कैसे हम करें, बस इसी चिंता में। सभी चीज़ को राजनीति से और राजनीतिक कारणों से नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, भारतीय संस्कृति सबसे उच्च क्वालिटी की संस्कृति है और इसको पूरे दुनिया में पसंद किया जाता है। देखिए, पॉलिटिक्स से अलग होने का मामला नहीं है, मामला है संस्कृति का, मामला है सम्मान का, और सम्मान को अगर राजनीति से जोड़िएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। सम्मान करना और सम्मान पाना और सम्मान लेना और एक दूसरे के प्रति आदर भाव को प्रकट करना, ये संस्कृति का एक अंग है, इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। स्वयं उनके पति डिप्टी CM रहे हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, पूरे देश के युवाओं के आइकॉन है, तो ये तो उनके लिए भी गौरव की बात है। और वो गौरव वो अपने सामने जो लोगों का भावना देख रही हैं उससे अभिभूत है, और उसी भावना का प्रकटीकरण करने के लिए वो सभी के बीच आई, अपना संस्कार का परिचय दी। पटना से ET भारत के लिए अमित वर्मा।